यहाँ जो सखियाँ थीं उन्होंने कहा कि ऐसी खबरियाँ होती तो हम रथ के नीचे सोती, हो जाता चकनाचूर। पर उनको मालूम बाद में पड़ा सखियों को, कृष्ण को लेकर के तो पहले ही निकल गए। यहाँ पे चारों तरफ हम देख रहे हैं, यहाँ पे मनोरी जी के जिसे कहते हैं खेत ही खेत है। हाँ, खेत ही खेत है, जंगल में है ये, जंगल में स्थान, जंगल में स्थान है। अक्रूर जी आए थे तो ये सीधा वृंदावन से और नंदगांव के लिए एकदम सीधा रास्ता है, इसी रास्ता से आए थे, रथ लेकर के आए थे और इसी रात से कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहे थे। तो ग्वाल वालों ने जाकर अक्रूर जी को घेर लिया कि नहीं, जाकर अक्रूर जी ऐसे अकेले नहीं जाएंगे। तो इस यहाँ से सभी ग्वाल वाल सहित फिर जाकर मथुरा के लिए रवाना हुए। कि कंस ने भेजा था उनको कृष्ण बलराम को लेने के लिए, कि उनको अक्रूर जी है जो लेकर आ सकते हैं। यही वो मार्ग है जो आप देख रहे हो, मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हो यही वो सीधी सड़क है जो नंदगांव जा रही है, और यही से यही वो सड़क है, यही वो सड़क है जो आपको यहाँ से मथुरा लेकर जाएगी। ये सीधी सड़क ही एक वो मार्ग था जिससे अक्रूर जी यहाँ पर आए थे। ये कृष्ण है, ये बलराम है और ये जाकर अक्रूर जी है। लगभग जिसे कहते हैं जो चिन्ह है ये द्वापर के चिन्ह है। हाँ जी, पुराने चिन्ह और जिसके समय के हैं, जिस समय में जाकर अक्रूर जी आए थे उसी समय की ये शिलान्यास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आप सभी को जहाँ के दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ की कथा जब आप सुनेंगे, यहाँ के दर्शन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का कितना आनंद है। हम आप सभी को आज लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में, यानी कि नंद नगरी में। यहाँ पे हमने आपको कई स्थानों के दर्शन कराए हैं। आज मैं आप सभी को जहाँ के दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ ये है अक्रूर गमन। इसको अक्रूर गमन भी कहा जाता है, इसको कई नामों से यहाँ पे जाना जाता है और बोला जाता है। खास तौर पे इसको कहा जाता है अक्रूर जी का मंदिर। अक्रूर जी जो है वो है नंद बाबा के भ्राता। यहाँ की कथा जब हमने सुनी तो हमें कुछ उस कथा में कुछ जिसे कहते हैं बहुत अटपटी चीज़ ये लगी। अक्रूर जी को कंस ने भेजा था कृष्ण बलराम जी को अपने नगरी में अपने पास बुलाने के लिए। तो यहाँ पे जब अक्रूर जी यहाँ पे आए और किस प्रकार वो यहाँ पे आए और क्या यहाँ की वो कथा है, आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। हमें यहाँ पे जो लेकर आए हैं उनका नाम है मनोहरी और वो नंदगांव के निवासी है। आपने हमारे साथ उनको कई वीडियो में देखा है, दो मिल वन की वीडियो में अक्सर वो आपको दिखेंगे हमारे साथ में। आज मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा और वो आपको यहाँ की कथा बताएंगे कि यहाँ की क्या कथा है और अक्रूर जी यहाँ पे क्यों आए थे और सारी चीज़ें जानते हैं उनसे। राधे राधे। राधे राधे। मनोहरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप जैसे हमें आपने हम यहाँ के बारे में बताया, इसके बारे में बताइए कि जो अक्रूर जी है वो यहाँ पे क्यों आए थे और यहाँ की जो कथा है उसके बारे में बताइए आप। अक्रूर जी ने जाकर अक्रूर जी कृष्ण कंस ने भेजे थे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले हाउ बिलाव जैसे बताते हैं नंदगांव में पत्थर के हो जाते, तो कंस के जो दूत आते थे वो पत्थर के हो जाते, इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को भेजा, क्योंकि अक्रूर जी नंद बाबा के भाई थे तो कृष्ण बलराम के चाचा थे। जो अक्रूर जी आए थे तो ये सीधा वृंदावन से और नंदगांव के लिए एकदम सीधा रास्ता है, इसी रास्ता से आए थे, फिर इसी रास्ता से मथुरा के लिए जाते हैं। ये रास्ता मथुरा के लिए सीधा जाता है, यही रास्ता जाता है सीधा मथुरा, सीधा मथुरा के लिए ये सीधा रास्ता जाता है। यानी कि ये सीधा रास्ता मथुरा के लिए जा रहा है, मथुरा के लिए जाता है। तो इसी रास्ते से रथ लेकर के आए थे और इसी रास्ते से कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहे थे। जब लेकर के जा रहे थे तो ग्वाल वालों ने जाकर अक्रूर जी को घेर लिया कि नहीं, जाकर अक्रूर जी ऐसे अकेले नहीं जाएंगे। तो इस यहाँ से सभी ग्वाल वाल सहित फिर जाकर मथुरा के लिए रवाना हुए। तो इसलिए इस मंदिर को कहते हैं अक्रूर जी मंदिर। तो यही वो स्थान है जी? हाँ, यही स्थान है, आप दर्शन करिए। बिल्कुल। तो जैसा कि हमें यहाँ पे मनोहरी जी बता रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जो अक्रूर जी थे वो यहाँ पे आए थे, उनकी क्या मंशा थी, जैसे कि आपने जाना कि कंस ने भेजा था उनको कृष्ण बलराम को लेने के लिए, कि उनको अक्रूर जी है जो लेकर आ सकते हैं मेरे पास, यानी कि अपने पास कंस जो चाहता था। और यहाँ पे जब अक्रूर जी आए तो यही वो मार्ग है जो आप देख रहे हो, मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हो यही वो सीधी सड़क है जो नंदगांव जा रही है, और यहीं से यही वो सड़क है, यही वो सड़क है जो आपको यहाँ से मथुरा लेकर जाएगी। ये सीधी सड़क ही एक वो मार्ग था जिससे अक्रूर जी यहाँ पर आए थे, और जब यहाँ पे वो आए तो ग्वाल बालों ने उनको यहाँ पे घेर लिया, इकट्ठे हो गए थे सभी।
और ये जो सामने स्थान देख रहे हो ये ही है वो अक्रूर जी का मंदिर। और यहाँ पे चारों तरफ हम देख रहे हैं, यहाँ पे मनोरी जी के जिसे कहते हैं खेती खेत है। हाँ, खेती खेत है, जंगल में है ये, जंगल में स्थान, जंगल में स्थान है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम लोग जो आए हैं वो आए हैं इस मार्ग से, यानी कि जो नंदगांव से मथुरा के लिए जाता है, और नंदगांव से जो यहाँ पे कट है यहाँ पे आने के लिए, वो कट भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही मैं बताना चाहूँगा हार्डली 1.5 किलोमीटर अंदर आके ये लेफ्ट साइड में आपको ये देखने को मिलेगा ये स्थान, ये मंदिर। अब आपको लेके चलता हूँ मैं अंदर, और जिसे कहते हैं पूरे रास्ते में हमने जो देखा है खेत ही खेत है यहाँ पे चारों तरफ में, और सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी में आके हमें ये स्थान देखने को मिला। हम आपको मंदिर के अंदर तो लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हमें बताया मनोरी जी ने कि यहाँ पे मंदिर से पहले जिसकी यहाँ पे पूजा यहाँ पे लोग करते थे, जिसकी जो प्राचीन दर्शन यहाँ पे होते थे, हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। उसके बारे में बताइएगा आप हमें पहले। राधे राधे। जैसे कि ये हमारी जो पुरानी प्रतिमा है, यही इसकी आराधना पूजा या जो भी सेवा होती थी वो इन्हीं की होती थी। जो ये मूर्तियां हैं ये लगभग 3 साल पहले ही आकर के ये मंदिर का निर्माण हुआ है, बाकी ये प्राचीन ही पहले से ही है जिसका पूजन हम करते थे। यानी कि यहाँ पे जितने भी गांव हमारे बुजुर्गों से ही इस जगह प्रतिमा की, यानी कि ये आप देख रहे हैं मूर्ति, ये पहाड़ जैसा चिन्ह दिख रहा है, इसी की पूजा होती थी पहले से। तो ये कितने वर्ष, ये कृष्ण हैं, ये बलराम हैं, और ये जाकर अक्रूर जी हैं, इन्हीं को ही मानते थे और इन्हीं की पूजा करते। तो इसमें कोई ऐसा रूप जिसकी हम व्याख्या कर सके कि कौन सा कृष्ण है और कौन सा, या जिसकी हम पहचान कर सके? जैसे कि आपको ये बड़ा दिख रहा है, ये तो जाकर अक्रूर जी हैं, और ये बगल में जो दोनों हैं ये कृष्ण बलराम हैं। ये कृष्ण बलराम है जी। और ये जैसे कि बताया, और छोटे मोटे जो भी हैं आप, ये ग्वाल बाल हैं, साथ में सब बैठे हुए हैं। यहाँ जाने के लिए यहाँ मीटिंग हुई, उनकी प्रस्ताव किया भाई चलना है, सबको चलना है, तो अब यहाँ से निकले। लगभग जिसे कहते हैं जो चिन्ह है ये द्वापर के चिन्ह है। हाँ जी, पुराने चिन्ह, और जिसके उसी समय के हैं जिस समय में जगह अक्रूर जी आए थे, उसी समय के ये शिलान्यास हैं। उसी समय के शिलान्यास है जी। हम आपको अभी मंदिर के अंदर भी लेके चलेंगे और दर्शन कराएंगे पास से। और इस मंदिर के बारे में जैसे कि मनोरी जी बता रहे हैं कि ये 3 साल पहले मंदिर बना है, लेकिन जो प्राचीन है जिसके दर्शन यहाँ पे करते आ रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया पहले से ही बुजुर्ग करते आ रहे हैं, वो यहाँ के दर्शन करते आ रहे हैं, वो यही स्थान है। एक बार हम आपको समीप से दर्शन कराते हैं इन जिसे कहते हैं शिलाओं के। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में जितनी भी हम आपको शिलाएं दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, ये दर्शाती है कि कितनी प्राचीन ये शिलाएं हैं। ये विशाल शिला है जिसके बारे में जैसे कि हमें मनोरी जी ने बताया कि ये अक्रूर जी का रूप माना जाता है। ये श्याम शिला है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको चंदन और पीला तिलक देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये श्याम शिला से अनुभव ये होता है कि ये है कृष्ण, और वहाँ पे आप देखेंगे गौरवर्ण शिला है जो वो है बलराम। तो कृष्ण बलराम की शिला, बाकी जितनी भी आप शिलाएं देख रहे हैं यहाँ पे ग्वाल बालों का रूप इसको माना जाता है। ये ही वो शिला है जिसके बारे में बताया जाता है कि अक्रूर जी के यहाँ पे प्राचीन रूप में दर्शन होते हैं, शिला रूप में दर्शन होते हैं, और नंदगांव से मथुरा की तरफ जो मार्ग जाता है वो यही मार्ग है जहाँ पे अक्रूर जी श्री कृष्ण को और बलराम जी को लेने के लिए आए थे। आनंदपूर्वक दर्शन कीजिए, उसके बाद हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और समीप से दर्शन कराते हैं, वहाँ की कथा आपको अंदर बताएंगे।
इसके बारे में बताइएगा आप हमें। ये अक्रूर जी हैं, ये बलराम जी हैं और ये कृष्ण हैं। यानी कि जो हम यहाँ पे पग में देख रहे हैं, पगड़ी जिनके सर पे है जी, वो है अक्रूर जी। अक्रूर जी और साथ ही जो बीच में है ये दाऊ जी हैं। ये है दाऊ जी और ये कृष्ण, ये कृष्ण है और यहीं पे भाई है गौ माता। तो यानी कि अक्रूर जी के यहाँ पे जो साथ में कृष्ण बलराम को दर्शाया गया है जी, इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे। जैसे कि ये जब नंद बाबा ने बोल दिया चलो मेला दिखा लाओ ले जाओ कृष्ण के कंस के उत्सव के लिए, जब ये जा रहे थे तो ग्वाल वालों ने कहा कि अरे हमारे लाला तो जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ग्वाल वालों ने आकर के सब इकट्ठे हो गए कि नहीं हम तो साथ ही में चलेंगे और नहीं हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे। इस वजह से यहाँ रुकना पड़ा और रथ को, तो रथ रुक करके तब यहाँ बैठे, फिर उनकी वातावरण हुए, तब यहाँ से सीधे मथुरा के लिए निकले। तो यहाँ से क्या कृष्ण बलराम साथ में गए थे अक्रूर जी? अक्रूर जी के साथ में कृष्ण बलराम भी गए, ग्वाल बाल भी गए, सभी जाका ग्वाल बाल सहित पूरा जाका भैबस से गए थे। जैसे कि ये मंशा लेकर आए थे, जैसे कि कंस ने भेजा था इनको जी, तो क्या उसमें अपने कामयाब हुए थे? नहीं, कंस को मार करके ही लौटे थे। कंस को मार करके लौटे थे जी, कृष्ण ने कंस को मार दिया था। ये स्थान कितना पुराना होगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? कृष्ण ये तो स्थान तो बहुत पुराना है, लेकिन ये जो फिलहाल में आप देख रहे हो नया निर्माण है, इसको लगभग 3 साल हुआ है नया निर्माण अच्छा है। 3 साल हुआ है हाँ। मंदिर बीच खेत में हमें देखने को मिला, जिसको आम अगर कोई भी यहाँ पे नागरिक कोई भी आएगा या कोई भी यहाँ से रास्ते से निकलेगा गुजरेगा तो वो कह नहीं सकता कि इतना प्राचीन स्थान यहाँ पे मौजूद है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे दर्शन किए, अक्रूर जी के बारे में हमारे भी काफ़ी समय से जिज्ञासा थी यहाँ पे दर्शन करने की और आप सभी को दर्शन कराने की। हमें यहाँ पे काफ़ी भक्तों ने बोला कि आप अक्रूर जी के दर्शन कीजिए, और जैसे कि आज हमारे साथ थे मनोहरी जो कि नंद गांव के ही निवासी है, दोमिल वन पे ये गौ सेवा भी करते हैं और आपने इनको हमारे साथ कई बार देखा है नंद गांव में दोमिल वन की वीडियो में। मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूँगा, यहां पे आप देखेंगे सामने की तरफ में आपको दिखेगा नंद महल यानी कि नंदीश्वर पर्वत। यहाँ से आप जो अगर दूर आप यहाँ पे देखेंगे, जूम ज़्यादा नहीं कर सकता मैं बिकॉज ये वाइड एंगल लेंस है और जो जूम ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा जो आप पर्वत देख रहे हैं उधर, वो है नंदीश्वर पर्वत यानी कि पूरा नंदगांव बसा हुआ है वहाँ पे, और वही है नंदगांव। और वहीं से आप यहाँ पे जब आएंगे हम आपको मुख्य मार्ग भी दिखाएंगे किस तरीके से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 1.5 किलोमीटर के अंदर आते ही आपको ये स्थान देखने को मिलेगा जिसको यहाँ पे अक्रूर जी का मंदिर और अक्रूर धाम भी कहा जाता है। ये तकरीबन जिसे कहते हैं यहाँ से आप मथुरा के लिए जा सकते हैं सीधा, ये वही मार्ग है जो आज से जिसे कहते हैं 5,500 वर्ष पहले यहाँ पे अक्रूर जी आए थे कृष्ण बलराम को लेने के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा है, मोरों की ध्वनि मोरों की आवाज़ जिसे कहते हैं इस समय सुनाई दे रही है, आई होप कि आप भी सुन पा रहे हैं उस आवाज़ को। और आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोहरी जी, आप हमें यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेकर आए और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। अच्छा है जी, और ठाकुर जी की कृपा हो ज़रूर आए दर्शन के लिए। बिल्कुल, अक्रूर जी हैं, यहाँ जो सखियाँ थीं उन्होंने कहा कि ऐसी खबरिया होती तो हम रथ के नीचे सोती, हो जाता चकनाचूर। पर उनको मालूम बाद में पड़ा सखियों को जो कि राधिका और राधिका के साथ जो सखियाँ थीं कि हमको भी मथुरा चलना था, लेकिन कृष्ण को लेकर के तो पहले ही निकल गए। तो जिसे कहते ये भाव प्रकट हुए थे सखियों के मन में भी। हाँ, सखियों के मन में बाद में जब यहाँ से निकल गए थे जी। तो बहुत सुंदर यहाँ पे दर्शन हुए और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप हमें यहाँ पे लेकर आए, और जैसे कहते हैं उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं वो शीघ्र आए यहाँ पे दर्शन के लिए। राधे राधे। तो ये थे हमारे साथ मनोहरी जी जिनका जो घर है वो नंदगांव में ही है, और कभी भी आप यहाँ पे दर्शन करना यहाँ पे आना चाहे तो आप दोमिल वन पे जाके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप दर्शन भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं ये कहूँगा बस इतना ही। वीडियो अगर आपको शॉर्ट लगा तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वीडियो की जो महत्वता है वो एक अलग है, लेकिन जो वीडियो की जितनी कथा है वही हमने आपको बताई इस वीडियो में, और जो विशेष तौर पर जो यहाँ पे खास तौर पर जो दर्शन है वो उन शिलाओं के दर्शन है जो प्राचीन शिलाएँ हैं
हैं जो आज भी यहाँ पे आपको जिनके दर्शन प्राप्त होते हैं, आप कभी भी आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे दर्शन हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि अनसीन हो टोटली। तो आज की वीडियो में मैं ये कहूँगा बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को अक्रूर जी के यहाँ से राधे राधे। और इस टाइम पर बारिश शुरू हो चुकी है, जिसे कहते हैं आप अगर कैमरे के लेंस पे आप देख पाए तो बारिश शुरू हो चुकी है। और मुझे जो मनोहरी जी मेरे साथ में हैं, इनको मुझे छोड़ना है दो मिल वन पे, और दो मिल वन पे भी रास्ता परेशानी वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मिलेंगे जल्दी दूसरी वीडियो में। और अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंदिर से जैसे ही हम बाहर निकल रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। और आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम मेन रोड पे आ गए हैं और सामने आप देखेंगे, मैं शीशा डाउन करके आपको दिखाता हूँ कि ये है पूरा नंदगांव। और नंदगांव का जो मुख्य जो रास्ता है, ये पूरा नंदगांव है। यहाँ से आप सीधा ये रास्ता जा रहा है बरसाना के लिए। और यहाँ से आप देखेंगे जो पहचान है इसकी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे एक शॉप है, दुकान है। और इसके बारे में कुछ यहाँ पे आप पहचान बता सकते हैं इसकी? इसको ब्रजवारी रोड बोलते हैं, ब्रजवारी रोड। हाँ जी, अगर कोई यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ब्रजवारी के नाम से, ब्रजवारी के नाम से जी। मनोरी जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, साइनिंग बोर्ड, और आप देख सकते हैं इसके बारे में। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँ कि ये है एक SD पब्लिक स्कूल और ब्रजवारी रोड, आप सामने इसमें नाम पढ़ेंगे तो ये मुख्य जो पहचान है वो ये रहेगी आपके लिए कि आप ये साइन बोर्ड का ध्यान रखना जब आप यहाँ पे आए। और ये मैंने जैसे कि बताया आपको, अभी बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, बारिश हो रही है बाहर, लेकिन ये सबसे बड़ी पहचान रहेगी आपके लिए, साइन बोर्ड जो आप सामने देख रहे हैं। ये साइन बोर्ड आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जिसे कहते हैं आपकी, कि आप इस साइन बोर्ड से ये पता लगा सकते हैं कि यही वो मार्ग है जो आपको अंदर लेके जाएगा। और मैं बैक साइड दिखाता हूँ आपको, यही वो पीछे मार्ग है जो आपको सीधा अक्रूर जी के स्थान पे लेके जाएगा। यहीं से आप आके लेफ्ट टर्न जैसी लेंगे, इसी कट से, इसी साइन बोर्ड से, ये आपको अक्रूर जी के मंदिर तक सीधा लेके जाएगा। अंदर 1.5 किलोमीटर जाके वो स्थान आ जाएगा लेफ्ट साइड में।